हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इधर, और आज मैं ब्लॉग अपनी दीदी के घर से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं यहीं आ गई हूँ, तो यहीं पे नाश्ता करूँगी। घर पे खाना बना करके आई हूँ और हस्बैंड के साथ निकल आई थी, तो अभी तो यहीं पर हूँ। तो चलिए देखते हैं दीदी ने नाश्ते में क्या बनाया है और फिर करते हैं नाश्ता। दिखाते हैं आप लोग को कि हम नाश्ते में क्या करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी दीदी के यहाँ ये दही की लस्सी पी थी, दीदी ने बनाई थी। और उसके बाद मैंने दोपहर में लंच किया था, ये तरोई की सब्जी थी, पराठा था, आलू का पराठा था, प्याज का पराठा था, दो तीन तरह के पराठे थे। उसके बाद मैंने लंच करने के बाद हम लोग शाम को बाज़ार के लिए निकले थे। हे गाइस, हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो कानपुर के पी रोड में मार्केट जा रहे हैं। मैं हूँ और मेरी दीदी है और ये बड़ी वाली दीदी है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं मार्केट और दिखाते हैं मैंने क्या लिया और क्या लेने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं रास्ते से, बहुत तेज धूप हो गई है। अभी तो बारिश हुई थी तो मौसम अच्छा हो गया था, और देखिए फिर से धूप निकल आई है। फटाफट से चलते हैं मार्केट और मार्केट में लेते हैं सामान। तो फ्रेंड्स, हम लोग मार्केट आए थे, यहाँ पे कुछ भी कुछ खास नहीं मिला क्योंकि पी रोड का मार्केट मंगलवार को बंद रहता है। हम लोग को पता नहीं था, हम लोग पहुँच गए थे, थोड़ी बहुत मार्केट खुली हुई थी, तो वहीं से जो थोड़ा बहुत दीदी लोगों ने सामान लिया ले लिया। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सिर्फ डेली वेयर में एक चप्पल लिए इधर उधर आने जाने के लिए, पार्टी वेयर नहीं, ऐसे ही नॉर्मल। उसके बाद हम लोग को हल्की फुल्की भूख लगाई थी, तो हम लोगों ने फिर डोसा खाया, तो हम लोगों ने मसाला डोसा ऑर्डर किया, हम लोगों ने डोसा खाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड घर आ रहे थे ऑफिस से, तो मैं उनके साथ घर आ गई। रात में मैंने बनाया था डिनर में कढ़ी और रोटी। तो आज आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? छोटा सा ब्लॉग है, ज़रूर बताइएगा, लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।